दोस्तों, एक बात से तो आप सब लोग वाकिफ होंगे और इस बात को आप सबको माननी पड़ेगी कि जब भी कोई नया एक्टर अगर बॉलीवुड में या किसी भी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखता है तो उससे गिराने के लिए बहुत से लोग सामने आते हैं। वो चाहते हैं कि हमसे ऊपर ना उठ पाए, लेकिन मिथुन दा ने, जो कि बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं, इन्होंने कभी ऐसा नहीं चाहा। लेकिन इनके साथ ऐसी घटनाएं बहुत हुई हैं जिन्हें बहुत से एक्टरों ने नीचे गिराया तो बहुत से एक्टरों ने धुतकार दिया। अगर जितेंद्र साहब की बात की जाए तो जितेंद्र साहब ने भी एक बार मिथुन चक्रवर्ती को काला बंदा बताकर दूर भगा दिया था और बोल दिया था कि ये कभी हीरो नहीं बन पाएगा। वहीं राजकुमार साहब, जो कि बॉलीवुड के 80 के दशक के बहुत बड़े डायलॉग मास्टर, किंग, बॉलीवुड सुपरस्टार कहे जाते थे, उन्होंने भी मिथुन चक्रवर्ती को, जब उनकी फिल्म आई थी उसमें भी मिथुन चक्रवर्ती को लेकर उन्होंने टिप्पणी कर दी थी कि हमारी फिल्म में नए एक्टरों को क्यों कास्ट किया गया। तब मिथुन चक्रवर्ती ने जवाब भी दिया था राजकुमार साहब को, लेकिन इज्जत से। लेकिन जब मिथुन चक्रवर्ती फिल्म रिलीज हुई तब उन्हें भी मालूम पड़ गया कि मिथुन चक्रवर्ती भी कोई एक बहुत बड़े अभिनेता है। और उसके बाद राजकुमार साहब के साथ भी उन्होंने कुछ फिल्में की थी, जैसे कि साजिश। लेकिन उन अभिनेताओं की भी बात कर लेते हैं जिन्होंने मिथुन चक्रवर्ती का उस समय बहुत साथ दिया था, जिनमें से धर्मेंद्र साहब का नाम सबसे ऊपर आएगा। धर्मेंद्र साहब वो अभिनेता हैं जिन्होंने मिथुन चक्रवर्ती को शुरू से सपोर्ट किया है और उनके कई फिल्मों में भी एक साथ दिखाई दिए हैं। मिथुन चक्रवर्ती आज भी धर्मेंद्र साहब को अपना आदर्श मानते हैं और उनकी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। वहीं एक अभिनेता और भी है जिन्होंने मिथुन चक्रवर्ती का बहुत बड़ा सपोर्ट किया। आप सब लोग ये तो जानते हैं कि कोई भी बड़ा एक्टर किसी भी फिल्म में छोटे मोटे किरदार के लिए हिचकिचाता है और वो नहीं आता है, और ऐसा मिथुन चक्रवर्ती के साथ हुआ भी है। मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म में ऐसी बहुत सी फिल्म है जहाँ पर बड़े एक्टरों ने काम करने से मना किया, लेकिन उस समय उनका एक एक्टर था जिन्होंने खूब साथ दिया और उस फिल्म में इनके साथ काम भी किया। हम बात कर रहे हैं फिल्म डिस्को डांसर की। डिस्को डांसर फिल्म में राजेश खन्ना ने जो किरदार निभाया था मिथुन चक्रवर्ती के साथ, उस फिल्म में कोई और एक्टर खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था। सबको यही लगता था कि मिथुन चक्रवर्ती एक न्यू कमर एक्टर है और इसके साथ हम छोटे किरदार करें, ये तो इम्पॉसिबल। लेकिन राजेश खन्ना साहब ने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा और उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती की इस फिल्म में काम किया। छोटा ही किरदार था लेकिन मिथुन चक्रवर्ती का साथ देते हुए उन्होंने इस फिल्म में काम किया। और फिल्म अगर आपने देखी हो तो उस समय की ये ऐसी ब्लॉकबस्टर फिल्म रही जिसने 100 करोड़ रुपए की कमाई की थी और राजेश खन्ना साहब की खूब तारीफ की गई थी। मिथुन चक्रवर्ती आज भी राजेश खन्ना साहब को बहुत मिस करते हैं, क्योंकि राजेश खन्ना साहब ही वो एक्टर हैं जिन्होंने मिथुन चक्रवर्ती की पहली सुपरहिट ब्लॉकबस्टर फिल्म में उनका सपोर्ट किया था, साथ दिया था और उनके लिए एक देवता बनकर साबित हुए थे। क्योंकि राजेश खन्ना साहब भी चाहते थे कि ये निकुमार एक्टर एक सुपरस्टार बन जाए और मिथुन चक्रवर्ती उसी एक फिल्म से, यानी कि डिस्को डांसर फिल्म से ही रातों रात सुपरस्टार बन गए थे। तो मिथुन चक्रवर्ती के लिए ऐसे बने हैं राजेश खन्ना साहब देवता, जिन्हें मिथुन चक्रवर्ती आज भी नहीं भूल सकते हैं। आप क्या कहना चाहोगे कॉमेंट में बता देना।